नूह में पिछले कई साल से आरटीओ कार्यालय नूह में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कर गड़बड़झाला उजागर हुआ है, तो हजारों युवाओं के सामने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने की वजह से रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में इनेलो विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने मजबूती से रखा, तो सूबे के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने इस पर गंभीरता दिखाई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री ने कहा कि पीछे फर्जी लाइसेंस के चलते अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। जो हजारों लाइसेंस बन चुके हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हुई है। जल्दी ही परिवहन विभाग के कमिश्नर, मेवात के डीसी, आरटीओ इत्यादि अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। और साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी 21 जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे और यहां प्रशिक्षण लेने वाले चालक देश विदेश में कहीं भी गाड़ी चला सकें। इसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी ड्राइविंग स्कूल्स में इंतजाम होगा। जैसे कि बहुत पुराने हजारों लाइसेंस यहां पर फर्जी बने और तब यह मामला संज्ञान में आया, जब उनकी डीपली इंक्वायरी की गई तो फर्जी पाए गए, तो इसलिए उसमें अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई। तो अब हमने फैसला किया कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें मामला आया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पुराने लाइसेंस जिनके बन चुके हैं हम दोबारा से उनकी ट्रायल लेकर के जो उसमें क्वालिफाई करेंगे और मेवात के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए हमारे निश्चित तौर पर हमारी योजना है कि मारुति ने इंश्योर किया है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे और हमने फैसला किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 21 के 21 जिलों में हम ट्रेनिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। सभी प्रकार की हम उसमें ट्रेनिंग देंगे।